अम्मा मैं कुछ हेल्प कराऊं? नहीं बेटा, वो लोग आने वाले हैं, तुम ऐसा करो जाओ और जाके समाहा को जगाओ। सुबह से मुँह लपेटे पड़ी है, कहना उठे और जल्दी तैयार हो जाए। जैसे मेरे उठाने से तो वो फौरन उठ जाएगी ना। देखिए मैं ट्राई करूंगी, बाकी फिर आपने उठाना है उसे। अच्छा ना, जाओ तो सही, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं, कोई कमी ना रह जाए। अपने अब्बा का पता है ना तुम्हें? अरे अम्मा अभी उसे देखने आ रहे हैं, कोई बात थोड़ी पक्की हो रही है, जब वो तब कीजिएगा अपनी आओ भगत। अरे बेटा वो तो नसीब की बात है कि रिश्ता पक्का होता है या नहीं, लेकिन है तो मेहमान ना। हाँ ये तो है, चले मैं उसे उठा के आता हूँ। समाहा, खुदा के लिए अभी ये ड्रामा बंद करो, उठ के तैयार हो, अपन लोगों को लेकर आते ही होंगे अभी। तो मैं क्या करूं? अरे उठो, तैयार हो। तुम उन लोगों से नीचे कह दो कि मैं नहीं आ रही। अगर तुम दो मिनट में नहीं उठी ना तो क्यों, क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कर सकती हूँ और मैं करूंगी भी क्या? करेंगे तो अब्बा, अगर तुम दो मिनट में नहीं उठी तो। तुम लोगों को मेरी एक बात कहीं भी समझ क्यों नहीं आती? मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ कि समाहा खुदा के लिए तुम्हें अगर इनकार करना हो ना तो भले कर देना, अभी तो अब्बा की इज्जत रख लो यार। मैं नीचे जा रही हूँ किचन में अम्मा की हेल्प करवाने, वो अकेली हैं। मैं आऊँ तो तुम मुझे तैयार मिलो प्लीज। ठीक है मैं उठ रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना मुझे। थैंक यू। समाहा चलो, अम्मा बुला रही हैं। कैसा है? सही है, चलो। पता था मुझे, तुम्हारी शक्ल से ही मुझे पता चल गया कि जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक है। वो कोई सड़े हुए बंदे को ले आए मेरे लिए, अभी जाके बताती हूँ मैं अब्बा को। खुदा के लिए अभी कोई सीन क्रिएट मत करो यार। ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना? दुपट्टा ओढ़ो सर पे। क्यों? मैं पता तो है अब्बा का, नंगे सर नाम हैरब के आगे जाओगे स्कूल में लेक्चर देंगे ना। दिन बदिन अब्बा की चीनी बनती जा रही। चलो अब ठीक है। उस जमाने में उम्र भी आजा आजा बेटा, बैठो सुबह बेटी मेरी मेरी बेटी, सुबह बैठ बैठो बैठो, माशाल्लाह माशाल्लाह।